Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Assalamu alaikum, beautiful. क्या हो गया मुझे? लेशन लगा के मैं इससे नजर ही नहीं मिल रही है. Oh my god. Assalamu alaikum, beautifuls. How are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So in today's video, I'll be trying out and giving you a review of this ordinary serum. Yeah. If you're interested, then let's start the video. अच्छा जी, इतनी दूर से सही समझ नहीं आ रही. या मुझे भी नहीं आ रही थी. सो या लेट्स जस्ट टेक अ क्लोजर लुक ऑफ दिस बॉटल, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन की तरह सीरम फैला है. एंड आई मीन इतना महंगा बिका है ना कि तावड़ी सो जाएगी. सो या लेट्स जस्ट टेक अ क्लोजर लुक ऑफ दिस बॉटल. ये कितने की है, कितने ml है, कहाँ से मिलेगी, अंदर से कैसी है, सही भी है कि नहीं है, क्योंकि दे कुड बी ड्यूप्स, क्योंकि इट्स बीन क्वाइट अ व्हाइल दीज प्रोडक्ट्स आर इन द मार्केट एंड मोस्ट ऑफ पीपल वॉन्ट देयर प्रोडक्ट्स बट कांट गेट देयर हैंड्स ऑन इट. So yeah, let's take a closer. अच्छा जी, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड या लेट्स टेक अ क्लोजर लुक ऑफ द प्रोडक्ट. अच्छा जी, ये है क्या जी, क्लिनिकल फॉर्मेशन विद इंटेग्रिटी द ऑर्डिनरी वीको नाइसिनमाइड एंड प्लस जिंक 1% हाई स्ट्रेंथ इन वाइटामिन एंड मिनरल ब्लेमिशेस फॉर्मूला. एंड नाइसिनमाइड बेसिकली क्या करता है वो मैं आपके आपको वीडियो में अप्लाई करते हुए बताऊंगी. अच्छा जी, पहले देख लेते हैं बॉटल आउटर पैकेजिंग. इट्स वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कार्डबोर्ड. 30 ml आपको प्रोडक्ट मिलती है. प्राइस मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ. इट इज टेस्टेड ऑन ह्यूमंस है और आपको 12 मंथ इसकी शेल्फ लाइफ मिलती है. इसमें इंग्रेडिएंट्स भी मिलते हैं आपको, एक्वा है, नाइसिनमाइड है, पेंथिलीन है और डेमेथिल है, जिनके फॉर्मूलाज मुझे बिल्कुल नहीं पता क्योंकि आई एम नॉट अ केमिस्ट. अच्छा जी, उसके अलावा आपको सेंस परफ्यूम, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट आई हैव हर्ड वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ दिस सीरम. सो आई कन्विंस माई सेल्फ टू बॉट दिस सीरम, ऑल्दो आई हैव लॉट्स ऑफ सीरम, बट नाइसिनमाइड नो. देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ नाइसिनमाइड इन रिवाज यूके सीरम्स, बट इट्स इन अ वेरी लो क्वांटिटी. लेकिन इसके अंदर तकरीबन 10% आपको नाइसिनमाइड मिलता है. अच्छा जी, ये अंदर खोलने पर एक ग्लास बॉटल है जिसके ऊपर जो स्क्रू टॉप है वो प्लास्टिक का है एंड इट्स वेरी ऑर्डिनरी बॉटल एज यू कैन सी फ्रॉम द लुक ऑफ इट. और ओपन करने पर ये पंप है और वेन यू पुट दिस ऑन योर हैंड तो वॉट इट डज, कंसिस्टेंसी इसकी बहुत थिक है. इट्स नॉट रनी, इट्स नॉट लिक्विडी, इट्स गुड, आई लाइक इट, आई होप यू कैन सी दैट. ठीक है, इट्स नॉट दैट स्लाइमी, ये इतना भी स्लाइमी नहीं है, बट आई लाइक द प्रोडक्ट एंड एज यू कैन सी मेरे हाथ से इसने कितना कुछ जो है वो रिमूव करके मेरा हाथ ब्राइटन अप कर दिया है फॉर जस्ट अप्लाइंग दिस सीरम. और फेस पे इसके मिरेकल इफेक्ट्स हैं एंड मेड इन रिपब्लिक ऑफ चाइना है. So, is it a really worth buying product? Because I have been using it for quite a while and I'm sure the people who've been regularly watching me saw some blemishes and discoloration or patchiness on my face because I've been struggling with a kind of disease that makes my face patchy in certain days of the month. So, I don't know how to explain that disease, but we are not here to discuss my फिजिकल प्रॉब्लम, वी गोना ओनली डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट. सो ये प्रोडक्ट उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और आई डू रियली फील अ गुड रिजल्ट ऑन माई फेस एंड यू टेल मी कि इज इट रियली अ डिफरेंस और नॉट. सो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो इस प्रोडक्ट ने उतना गुड़ मैंने खर्चा है तो वो मीठा नजर आ रहा है मुझे. सो मैं आपको अभी अपना डिफरेंस भी बताती हूँ कि बिफोर एंड आफ्टर व्हाट वॉज द रिजल्ट. पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं माशाल्लाह कि मैं कैसी लग रही हूँ. To tell me. I tried another look from Beautify by Amna's palette. If you haven't seen my previous video on 14 August, where I created a Independence Day look, so if you're interested, then I will put that video at the end of the video. You can watch that video after this video. So yeah, let's take off the lashes. By the way, these lashes are also from Beautify by Amna. Really good style. I really like it, and it has a beautiful box. So. Next, we're gonna remove our hair. Today, to remove my eye makeup, I'm gonna use, because there are lots of eye makeup. Oh god. Yeah. I'm using Neutrogena's wipes. इसके बारे में भी बहुत controversies हैं. Actually, foreign dermatologists don't like Neutrogena.
And I am saying dermatologist, or you can say beauty gurus, don't like Neutrogena's. And I have seen products in the on the website or Makeup City, the products that abroad reviewers, viewers, jitne bhi skin care ke jo review karne wale hai na, they don't like these products. And Ordinary has been sued by a woman jiski skin use karne se jal gayi thi. Yes. अच्छा, ये ऑर्डिनरी का ये हिस्ट्री इस तरह यही है कि इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव इन इंग्लैंड. ये इंग्लैंड की एक कंपनी है, उनकी लॉन्च किया है, ऑल्दो इट्स प्रोडक्ट पैक्ड एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम चाइना, बट ये प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली इंग्लैंड की है. और अब वहां पर ये प्रोडक्ट यूज नहीं की जाती, पीपल डोंट यूज इट ओवर देयर, क्योंकि इनका जो रेड कलर का पीलिंग सोल्यूशन है ना, इतना इंस्टाग्राम पे चला था वो कि एवरीवन स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट नोइंग हाउ टू यूज अ पीलिंग सोल्यूशन. पीलिंग सोल्यूशन उसी तरह ही है जैसे हम यहाँ पर अपनी व्हाइटनिंग जो देसी क्रीम्स हैं वो यूज करते हैं टू मेक अस गोरा, तो वो पीलिंग सोल्यूशन भी आपकी स्किन के ऊपर से जो है ना वो अपर डर्मल लेयर को रिमूव करती है. और उसके बाद की जो हम प्रोटेक्शन नहीं करते, हम सनब्लॉक नहीं लगाते, हम हीट से नहीं बचते, हम यू नो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, हम नीट पिलो एवरी नाइट क्लीन पिलोज पे नहीं सोते, तो क्या होता है कि उससे आप को रिएक्शन हो जाता है और फिर आप कोसना शुरू हो जाते हैं व्हाइटनिंग क्रीम्स को, कि उनकी वजह से आपकी डर्मल लेयर रिमूव होगी जिसकी वजह से स्किन सारी खराब होगी. तो ये पीलिंग सोल्यूशन भी यही करता था, आपकी डर्मल लेयर को रिमूव करता था, उसके बाद के केयर्स जो है वो आपको करने होते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दैट सीरम. नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट. सो आई एम गोना यूज अ क्लेंजर. ओके, फॉर द क्लेंजर आई एम गोना यूज रिवाज यूकेस क्लेंजर. इट इज वन ऑफ माई फेवरेट क्लेंजर्स, सो आई एम गोना यूज दैट, क्योंकि ये जो आपकी स्किन इतना मेकअप है, ये ऑयल फाउंडेशन एवरीथिंग, इट विल मेल्ट दैट एंड इट स्मेल्स रियली गुड, इट स्मेल लाइक चेरीज. सो ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई द क्लेंजर एंड लीव इट ऑन फॉर लाइक 10 to 15 seconds, खासकर लोअर लैश लाइन पे. And you can massage the cleanser and rest of the makeup. So now we're gonna double cleanse, और ये जो अब cleanser apply किया था इसको भी remove करना है. For that I'm gonna use Olay Total Effect cleanser. It's really good. I'm just quickly gonna wash off and let's begin with the ordinary. You, that the reason you're here. Wash it off. I do have a video on 7 ways you can use any serum. So this particular ordinary serum is of niacinamide, and what niacinamide do is. अच्छा जी, इट वर्क्स लाइक अ लिक्विड बैरियर. ये आपकी स्किन के ऊपर एक ऐसा बैरियर बना देता है जो आपकी स्किन को किसी भी किस्म के रिएक्शन से सेफ रखता है और आपकी स्किन को इम्यूनिटी देता है. नाइसमाइड हेल्प्स बिल्ड केराटिन, अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट कीप्स योर स्किन फर्म एंड हेल्दी. इसके साथ साथ ये आपकी स्किन के ब्लॉटीनेस को दूर करता है, ये मिनिमाइज द रेडनेस, इट मिनिमाइज योर पोर्स अपीयरेंस, रेगुलेट्स योर ऑयल, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सनबर्न. कितनी तारीफें करूँ, खैर जे भी और भी हैं. इट ट्रीट्स योर हाइपर पिगमेंटेशन लाइक आई हैव ऑन माई स्किन, तो उससे भी मुझे ये सेफ रखता है. उसके साथ साथ इट मिनिमाइज द फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स, तो इट ऑल्सो वर्क्स एज अ एंटी एजिंग सीरम. अच्छा, अब इसकी ऑथेंसिटी की पर बात कर लेते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है. मैं आपको यूज़ करके कन्फर्म कर रही हूँ कि मैंने बहुत ज़बरदस्त है. इट रियली हेल्प्स मी अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट माई पिगमेंटेशन ऑन माई स्किन. और जी, आपको ये कहाँ से मिलेगा इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वैसे मैंने इसको दराज से बाई किया था एंड द सेलर वॉज वेरी नाइस. सो या, दिस इज माई होल वीडियो. होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द लव्ड वंस अराउंड यू. बाय द वे, my final verdict about this serum is highly recommended, so good. I'm very happy with the product and I'm going to keep using it. And I will see my next video. Until then, take very good care of yourself and the loved ones around you, and don't be hesitant to spend some money for yourself. Yeah, you deserve that. So yeah, if you before you leave, don't forget to check out these videos. These also can be beneficial for you and are very good for you. So yeah, Allah Hafiz guys.